हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं अपनी मम्मी को वे प्रोटीन टेस्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी है भाई वेजिटेरियन, लेकिन मम्मी को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। और मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ वे प्रोटीन। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम पर्सनली यूज़ नहीं करते। तो आज मैं अपनी मम्मी को टेस्ट कराऊंगा वे प्रोटीन, और रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। मम्मी बोलते हैं कि भाई तू तो खाता रहे है, हमने भी कहते खवा के खावा है यो। तो भाई आज मम्मी को टेस्ट खाना खवा के कराएंगे, खा रहा है मम्मी को ये टेस्ट बच्चा कराएंगे, दिमाग लगा और उसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मम्मी को भी जो फ़र्क होगा उसके रिगार्डिंग भी अपडेट करते रहेंगे आपको। और आप रेडी हो प्रोटीन पीने के लिए? तो भाई मैं वे प्रोटीन 1 गिलास के अंदर डालता हूँ, 1 स्कूप, और देखते हैं भाई मम्मी को पिला के कैसा लगा उनको। तो दोस्तों वे प्रोटीन ले लिया, इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब स्कूप में मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मम्मी बोलती है कि प्लास्टिक में ना पीने कैंसर हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने मिला लिया है प्रोटीन अपना, मसल ब्लेज वाला। तो जो वो होता है सिपर होता है उसके अंदर, तो ये बिल्कुल विद इन सेकेंड घुल जाता है। गुलब भी अच्छे से गया है, लेकिन थोड़े थोड़े ये बच गए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े ये बच गए हैं। अब इनको भी डिसोल्व करके सारे दूर हो जाएंगे, उसके बाद टेस्टिंग कराएंगे। वैसे पर्सनली मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता जो बायोजाइम है, क्योंकि ये ओवर स्वीट है यार। मतलब मेरे को कम स्वीट फ्लेवर ही पसंद है, लेकिन ये थोड़ा ओवर स्वीट है। तो मम्मी आ जाओ, मम्मी पी के देखो कैसा लग गया। बनाना में कुछ ना, इसमें सिंपल है, लिया घोले यार पी के बस। ये पी के बताओ जैसा कैसा टेस्ट है इसका। मीठा है। तरबूज भारी है, मम्मी का भी रिएक्शन ये रिकॉर्ड थोड़ा सा करेंगे। सिर है रे। चलो स्टार्ट करना वीडियो। स्टार्टेड। चलो पी के दिखाओ कैसा लग रहा। चलो आज मम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तरबूज खाई थी ना, फिर क्या कैसा होगा, लगा? किसा लगे मुझे बताओ। ठीक है, तो नहीं ज्यादा स्वीट है, स्वीट तुमको नहीं ज्यादा नॉर्मल है तो मैं कम स्वीट पीऊँ ना, एकदम तरह बढ़िया मीठा पिया करूँ। ना 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 टेस्ट किसा लग गया इसका? सही है, टेस्ट भी अच्छा है। चॉकलेटी फ्लेवर है। मैं का थोड़ी खुशबू आ रही थी। सही है। कंप्लीट करो। ना पिया था मैं तो ज्यादा, तरबूज बढ़िया खा रही हूँ मैं लग गया। ना, बढ़िया है। तरबूज खाया था ना अभी। मिक्स्ड रिएक्शन है काफी। मेरी जैसे नू है ना, जूस पी रही, तरबूज खा रही, उसके बाद प्यारा है। लेकिन ये है कि भाई इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा है काफ़ी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मम्मी को थकान बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एज बढ़ जाती है उसके बाद होती है थकान, तो उसको भी ये कम करती है। जल्दी से बॉडी अगर घर का कुछ काम करती है, मम्मी थक जाती हैं, तो उसकी रिकवरी भी जल्दी होगी, बहुत फास्ट होगी एक और तरीके से। एक इसके बारे में बता दो कि जैसे किस टाइम लेना चाहिए ये, किसी भी टाइम ले लो, अच्छा खाना खाने से पहले या बाद ये में? कुछ नहीं है, ये कुछ फैंसी चीज़ नहीं है। ये दूध के अंदर का सारी चीज़ होती है दूध के अंदर, लेकिन दूध का अंदर का जो सिर्फ प्रोटीन है ना, उसको निकाल के पाउडर फॉर्म में बना दिया और उसको पानी में घुल के पी लिया बस। दूध का दूध ना पी लिया ना, दूध में फिर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी होगी लैक्टोज, होगी मैं लैक्टोज अच्छा इंटॉलरेंट अलग हूँ। से ऐड करी जानी इसमें। हाँ मान लो अपना प्रोटीन पूरा ना कर पा रहे, मान लो एक रोटी में मान लो 3 ग्राम प्रोटीन है, इसमें अकेले में आपके में 24 ग्राम प्रोटीन है, तो देख लो 3 के पार्ट 24 3 के पार्ट कदा होगा। ये मन का दिन लेना है, पिए जाओ तो कदे पी जाओ, तीजी करे। ठीक है। तो दोस्तों पहली बार किसी यूट्यूबर ने ऐसा किया है कि अपनी मम्मी को भी प्रोटीन पिलाया है, और ये कन्विंस कर पाया हूँ मैं कि भाई ये कुछ बुरी चीज नहीं है। क्योंकि आज भी इतने मॉडर्न जमाने के अंदर भी घरों में ये रहता है कि भैया जैसे कि वे प्रोटीन ना, कुछ जहर खा रहा हो बच्चा या कुछ ड्रग्स ले रहा हो बच्चा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इस बात का सीधा प्रमाण ये है कि भाई मैं अपनी फैमिली में भी, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैंने इन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा है कि वे प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को रिकमेंड ही नहीं किया और मैंने इनको दिया भी है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप भी ले सकते हो और अपनी फैमिली को भी आप दे सकते हो, जिसको भी थकान
थकान है, या जैसे कि देखो यार अगर हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारी फैमिली के अंदर जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है ना उससे प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती क्योंकि बहुत से लोग इंडिया के अंदर 80-90% लोग वेजिटेरियंस हैं, खास करके हमारे जो घर की महिलाएं हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अंडे तक नहीं खाती, और वो खाती क्या है सुबह उन्होंने रोटी भी खाएंगी तो एक रोटी खा ली, दो रोटी खा ली, सब्जी खा ली, तो उनसे प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो पाती जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, वो जल्दी बूढ़े होते हैं, उनकी ज़्यादा मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम एक्सटर्नली इनको प्रोटीन सोर्स दे रहे हैं जो कि दूध से ही बना है भाई, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर ये अंडा नहीं खाते तो इनको ज़बरदस्ती तो नहीं खिला सकते ना, लेकिन हमारे बस में जो है पानी के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन घोल के पिला दिया, अब इसके अंदर स्कूप के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन था, अब जो है 8 रोटियों के अंदर प्रोटीन इनको मिलेगा, वो इनको एक गिलास पानी के अंदर अच्छा फ्लेवर भी अच्छा है और पानी के अंदर मिला के पी गए ये, मैं तो पेट भारी हो गया ज़्यादा और न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अब इनको जैसे कि डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और इनकी सप्लीमेंटेशन और डाइट भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप भी अपने घर के अंदर जो आपकी माता है, बहन है, आपके जो बड़े भाई हैं या आपके फादर, चाचा, ताऊ जो भी हैं उनको आप ये वीडियो दिखा सके, उनको बता सके कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है और उसके बाद ही पूरी तरीके जानने के बाद ही मैंने अपनी फैमिली को ये दिया है, क्योंकि अपनी फैमिली सबको प्यारी होती है, कोई भी अपनी फैमिली को बुरी चीज़ नहीं खिलाता पिलाता, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं वो बुरी चीज़ है, उसका मैं हमेशा से ही उस चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन ये चीज़ अच्छी है तो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और अपनी फैमिली को भी देता हूँ।